अजमेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी की आज चार संभागों में बैठक होनी है। अजमेर में बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं। अजमेर में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक ले रहे हैं। तो कल शाम को ही जयपुर आगमन हो चुका था प्रहलाद जोशी का, और इसके बाद अजमेर में जो संभाग स्तरीय बीजेपी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी है उसमें वो शामिल हैं, बैठक ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कुल मिलाकर आज चार संभागों की बैठक है। अजमेर में प्रहलाद जोशी की तरफ से ये मीटिंग ली जा रही है, और जो पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को इस बैठक में, इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया। उनसे बातचीत की जा रही है, बैठक करके आगे भावी रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे रहे उस पर चर्चा हो रही है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और बात करते हैं। सौरभ, बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आज बड़ी बैठकें जो है वो बीजेपी द्वारा आयोजित की जा रही है। चार संभागों में अलग अलग जो है वो बैठक हो रही है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो है वो अजमेर पहुंच चुके हैं, और तमाम पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ आज दिन भर जो है वो बीजेपी मंथन करेगी। दरअसल नई सहेगा राजस्थान अभियान के तहत किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। साथ ही 1 अगस्त को जो है वो जयपुर में बड़ा प्रदर्शन है, उसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो पार्टी द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन खुद प्रहलाद जोशी ही बैठक ले रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रहलाद जोशी अजमेर में है, सीपी जोशी जो है वो भरतपुर में है, संगठन महामंत्री जोधपुर में है, और जयपुर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राजेंद्र राठौड़ जो है वो जयपुर में जयपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। तो चार संभागों को आज एक दिन में कवर करने की कोशिश जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा की जा रही है। आज संभवतः शाम को जो है वो एक जनसंपर्क अभियान के तहत जो है वो लोगों को फेल कार्ड भी जो है वो बीजेपी द्वारा दिया जाएगा। तो अलग अलग संभागों में तमाम जो प्रतिनिधि हैं पार्टी के, चाहे बात सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मेयर, जिला अध्यक्ष, संयोजक, विस्तारक, तमाम पदाधिकारियों की बैठकें लेकर जो है वो 1 तारीख के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश देने की कोशिश जो है वो इस बैठक के जरिए जो है वो की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए।